होली आ गई भाई। होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली के तरफ से, मेरे तरफ से होली की हार्दिक बधाई। दोस्त आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज फिर खेतों के तरफ आया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो सब्जी की खेती हो रही है, बैंगन की खेती है। आप लोगों को कैसी लगी खेती? और दोस्त तो आज फिर नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आज फिर एक कहानी सुनाऊँगा और कहानी सुन के अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल है राम कुमार 12 लाइव स्टाइल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं गांव से रहने वाला हूँ और मेरी वीडियो आप पूरी देखना, मैं आपको कहानी ज़रूर सुनाऊँगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई। और मैंने खेतों की तरफ आया था, ये हमारी मक्की की खेती है और ये इसमें लौकी लगते हैं। तो हाँ दोस्त, आज की कहानी है चिरा और चिरी की। एक घोंसले में चिरा और चिरी रहा करते थे। घोंसले में चिरा और चिरी रहा करते थे, उसके दो अंडे थे। तो दो अंडे थे, उसके दो अंडे कुछ दिन बाद उसमें से दो बच्चे निकले। और दो बच्चे निकलने के बाद ऐसा हुआ, किसी बच्चे होने के बाद थोड़े बच्चे 10-15 दिन के हुए तो इतने में चिरी मर गई। तो उसके बाद चिरा ने फिर दूसरी शादी कर ली। चिरा जब दूसरी शादी कर ली तो उसके बाद जब सौतेली माँ आई तो उसके उस बच्चों के साथ बड़े दुर्व्यवहार करने लगे। कुछ दिन तो अच्छे से रहने लगे और क्या कहते हैं, उसके सौतेली माँ को उसका बच्चा अच्छा नहीं लगने लगे। तो एक दिन ऐसा किया, उसने अपने चोंच से मार मार के अपने बच्चों को मार दिया। उसके बाद जब चिरा वापस आए तो चिरा से कहने लगे कि बच्चे मर गए। तो ये सुन करके चिरा को बहुत दुख हुआ कि मेरे बच्चे मर गए। तो हाय दोस्त, आप सब कैसे हैं? तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। क्यों दोस्त, सौतेली माँ ऐसी होती है? हर माँ तो ऐसी नहीं होती है, कोई माँ अच्छी भी होती है। धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए।